तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर बरेली की मशहूर दाल, मूंग की दाल पापड़ी वालों के पास। और आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर मूंग की दाल जो बड़ी फेमस बताई जाती है यहाँ की, तो कैसी है ये मूंग की दाल, कैसे बनाई जाती है और कैसा है इसका जायका। तो चलिए आइए और देखते हैं और मिलते हैं इन भैया से। हेलो भैया, क्या नाम है आपका भाई साहब? राकेश जी। तो राकेश जी, क्या आज एक खास चीज़ आप बना रहे हैं? बहुत सुना था आपके बारे में, ये दाल है, मूंग दाल पापड़ी है। मूंग दाल पापड़ी, अच्छा जी। अच्छा, तो ये है मूंग दाल। हाँ जी। तो ये तो मूंग दाल को जिस इस तरीके से घोट दी गई है, मुझे लग रहा है तो सूप जैसा बन चुका है ये पूरी तरीके से। इसको चलाते ही रहते होंगे बिल्कुल कंटिन्यू? चलाते रहेंगे। बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या गजब। अच्छा, ये हो गई आपकी मूंग दाल। अच्छा, ये क्या डाल रहे हैं सर? सफेद नमक आ गया। ये आ गया जी सफेद नमक, बहुत बढ़िया। ये आ गया आपका काला नमक। ये आ गया जी काला नमक। ये हाथ का मसाला है। अच्छा, ये मसाले हैं आपके कुछ सीक्रेट? बहुत बढ़िया। ये आ गया जीरा। ये डल गया जी भुना हुआ जीरा, बहुत बढ़िया जी। ये पाउडर वाली मिर्ची है। अच्छा, ये पाउडर वाली मिर्ची हो गई जी, लाल मिर्च। चटनी लहसुन है। अच्छा जी, बताइए चटनी लहसुन वाली है? ये लहसुन वाली चटनी है, ये बिना लहसुन वाली है। और ये बिना लहसुन वाली है, ये चॉइस के ऊपर होता है, आदमी को बता दिया जाता होगा कोई कैसे खाता। मेरे को लहसुन वाली डाल दो सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये आ गया नींबू। अच्छा जी, ये आ गया नींबू, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मिला रहा हूँ इसे। अच्छा, इसके बाद इसको यहाँ पर मिला दिया जाएगा। क्या बात है, ये आ गई पापड़ी। अच्छा, पापड़ी भी डलती है इसके अंदर? ओके, ये डल गई है हमारी पापड़ी इसके अंदर। क्या बात है, ये तो ऊपर तक फिल हो चुका है पूरी तरीके से। और भी कुछ डलेगा इसके अंदर? प्याज आ गया आपका ये। अच्छा, अभी प्याज डलने बाकी है इसमें। टमाटर है। ये आ गई ये टमाटर, ये है इसकी। हो गई जी तैयार, ये और भी कुछ रह गया इसके अंदर? क्या बात है भाई साहब। तो दोस्तों, ये आ चुकी है हमारी मूंग दाल, मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल इसे बोला जाता है। मुरादाबाद की मूंग दाल इसे मशहूर क्यों बोला जाता है ये तो मैं नहीं जानता, ये आप लोग देखिए और सर्च करिए। लेकिन दिखने में ही बड़ी बेहतरीन लग रही है, कुल्लड़ में बहुत ही शानदार इसका फ्लेवर मुझे लगता आने वाला है। बहुत बढ़िया, ऊपर तक पूरी भर रही है ये दाल, और गर्मा गर्म। सर्दी में तो इसका अलग ही मज़ा आएगा, सर्दियों में तो ये समझ लो सर्दियों का एक ये तोहफा है सर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, दाल हमारी आ चुकी है और अब चक्के बताते हैं आपको कि कैसा है इसका जायका। दोस्तों, बहुत ही लाजवाब टेस्ट, एकदम मैं कहूँगा सूप की तरह एकदम ऐसे घुली हुई है। और जिस तरीके की आइस में आइट में डली हुई है, प्याज टमाटर पापड़ी नींबू, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल ही यूनिक फ्लेवर है। इसको मैं अभी डिस्क्राइब भी क्या करूँ आपको, आपको खुद आकर के चखना पड़ेगा इस फ्लेवर को, बहुत ही शानदार फ्लेवर। तो मैं रेकमेंड करूँगा, आइए और इस यूनिक आइटम को आप भी ट्राई करिए। मुरादाबाद की दाल हर जगह ये नहीं मिलती है ये दाल, तो जहाँ पर भी आपका मौका लगे, नहीं तो इस जगह पे जो कि है कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास, बिल्कुल कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास ही ये दुकान है, कोई भी आपको इसके बारे में बता देगा, सामने से दिख जाएगी। तो आप भी आइए और इस जायके का आनंद लीजिए, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है, सर्दियों के लिए ये एक तोहफा है। आप भी आइए और इस यूनिक व्यंजन का आनंद लीजिए। तो भाई साहब, ये प्राइस कितना रखा हुआ है इस कुल्लड़ का आपने? इस कुल्लड़ का 50 रुपये। अच्छा, ये कुल्लड़ 50 रुपये में। और इसके अलावा और क्या क्या आइटम आप रखते हैं भाई साहब? आइटम छोले पापड़ी है, छोले कुलचे। छोले पापड़ी, छोले कुलचे, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। लेकिन दाल आपकी जो फेमस थी वो हमने चखी है, वाकई में मज़ा आया, बहुत ही शानदार आइटम। तो दुकान भाई साहब अपनी 7 दिन खुलती है? संडे छोड़ के। संडे छोड़ के, संडे को आप छुट्टी रखते हैं, बहुत बढ़िया। और टाइमिंग क्या रहती है आपकी? 9 से 9, रात को 9 बजे तक। बहुत बढ़िया भैया, लाजवाब।